नॉलेज है और नॉलेज की का कंट्रोल जिनके पास है, वो इन सब लोगों को बड़ा भाव चढ़ा के पेश करते हैं। लेकिन जब G7 और G8 कंट्रीज का, जहाँ पे दुनिया भर के सरमायेदार आपस में गठे होते हैं, तो वहाँ पे ये लोग पर भी नहीं मार सकते। मतलब है कि वहाँ पे वहाँ के दरवाजे जो है ना, मतलब कि इन लोगों के लिए बंद होते हैं, और वहाँ पे जो दुनिया भर के इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं और दुनिया भर में जो मतलब कि पोलिटिकल डिसीजन होते हैं, वो जो G7 ग्रुप है और G8 ग्रुप है जो दुनिया भर के मालियाती निज़ाम को जो देखते हैं, तो वो उस तरीके से मतलब है कि वहाँ तक जो है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो सबाल्टर्न स्टडीज का फ्रेमवर्क आपको नजर आएगा कि सबाल्टर्न जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह ग्लोबल सिस्टम को, किस तरह लोकल सिस्टम को, किस तरह मतलब है कि एक स्टेट के सिस्टम को एक्सप्लेन करने की एक डायरेक्शन देते हैं। तो अब यहाँ पे सबाल्टर्न का तो ये एक मतलब कि आस्पेक्ट आ गया, और इस फ्रेमवर्क के अंदर जिन जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों में कुछ लोगों के नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि हम इनको फर्दर जब हम सबाल्टर्न स्टडीज के ऊपर कोई काम करें या कुछ फर्दर इसके ऊपर हम कोई डिस्कशन करें, तो हम उनकी जो रीडिंग्स हैं, उनकी जो उनका जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हम समझने की कोशिश करें, और फिर उस टेक्स्ट की बेस के ऊपर, चूँकि सबाल्टर्न स्टडीज ने एक नेट फ्रेमवर्क दिया है किसी भी सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने का, पॉलिटिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने का, या इसकी बेस पर आप कोई इकोनॉमिक फिनोमेना भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेट फ्रेमवर्क है, और इसके अंदर जिन जिन लोगों ने ज़्यादा काम किया, उसमें एक तो नाम है ये जो गायत्री स्पिवक है, ये एक बड़ा नाम है जिसने कैंस बर्ट स्पीक एक बहुत ही अच्छा जो आर्टिकल है ये लिखा, और उसके लिखने का जो अंदाज है, उसके अंदर जो कुछ लिखा वो तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ भी एक्सप्लेन करूँगा कि जब हम मुख्तलिफ राइटर्स को और किसी भी फ्रेमवर्क में वो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में लिखते हैं, बर्टन फ्रेमवर्क में लिखते हैं, या न्यू मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में लिखते हैं, ये मतलब है कि ज़्यादातर जो ऑर्डर के फ्रेमवर्क में लिखते हैं कि मतलब है कि सोशल ऑर्डर जो है ना उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है ताकि लोगों की ज़िंदगी जो है ना बेहतर हो, उस फ्रेमवर्क में भी जो लोग लिखते हैं, तो ऑर्डर फ्रेमवर्क में जो लिखते हैं, जो चेंज के फ्रेमवर्क में लिखते हैं, तो इनके इनके टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये लिखते कैसे हैं। जो कुछ लिखते हैं वो तो ठीक है, मतलब कि वो एक आर्गूमेंट है, आर्गूमेंटेशन भी एक बड़ी चीज़ है, लेकिन आर्गूमेंटेशन के साथ साथ जो टेक्स्ट को लिखने का जो अंदाज है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो गायत्री स्पिवक ने जो आर्टिकल लिखा कैन सबाल्टर्न स्पीक, तो वो अगर हम नेक्स्ट उसमें हम रूल्स को डिस्कस करेंगे किसी सेशन में, लेकिन उसमें उसको पढ़ने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि सबाल्टर्न के साथ जितने भी स्कॉलर हैं वो किस तरह इससे पहले जो मतलब कि आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री को लिखने का, रिप्रेजेंटेशन को समझने का, या समाजी निज़ाम को समझने का, उन्होंने किस तरीके किस अंदाज से जो अर्लियर जो राइटिंग्स थी, इससे पहले जो राइटिंग्स थी, इससे पहले जो सोच थी, थॉट प्रोसेस था, उनको वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर किस तरह अपने आर्गुमेंट को वो रिकंस्ट्रक्ट करके एक अल्टरनेट जो ना मतलब के फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो इंसानी दिमाग को इस काबिल बनाएं कि सोचें कि और भी अंदाज हैं इसके अलावा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सबाल्टर्न फ्रेमवर्क सोचने का एक और एंगल देता है, लेकिन जब तक हमें सोचने के डिफरेंट एंगल से हमें आशनाई नहीं होगी, हमें पता नहीं चला कैसे हैं सोचने के अंदाज कौन कौन से हैं, इससे पहले हिस्ट्री ऑफ थॉट प्रोसेस या सोचने के अंदाज क्या क्या रहे, जब तक हम उस अंदाज को नहीं समझेंगे तब तक हम हर चीज़ को सच्चा समझना शुरू कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी चीज़ हमारे सामने एक्सप्लेन की गई तो हम समझते हैं कि यार फ़ख्र है, ये बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है, ये मतलब है कि इसके बाद कोई और फ्रेमवर्क नहीं है। तो ये जो फ्रेमवर्क की जो डोमिनेशन है, तो जो सबाल्टर्न है, सबाल्टर्न को हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो फ्रेमवर्क की डोमिनेशन है इसको भी समझे, बाज़ का मतलब कि आपको सबाल्टर्न अगर आपको एक फ्रेमवर्क देता है तो इसका मतलब है कि वो इंसानी सोच को एक स्टेप और आगे बढ़ाने में मदद देता है। तो आप लोग या मुझे भी इस पर गौर करना चाहिए कि जब भी कोई फ्रेमवर्क आता है
उस फ्रेमवर्क को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि वो सोच का एक नया एंगल है, नया जाविया है, सोच के नए जाविये को और नए एंगल को हमें वेलकम करना चाहिए, लेकिन हर सोच का जो नया एंगल है उसको अपने अपने ऊपर मसलत करना, ये फिर अपनी सोच के साथ ज्यादती करने के मुतल्लिक है। तो इस तरीके से सोचों को आगे बढ़ने में मदद देने में जो स्मार्टन फ्रेमवर्क है, जो नया एंगल है, उसमें हम मतलब है कि शुक्रिया अदा करते हैं, मतलब है इन लोगों का किसी है जो कर रहे हैं माइक का अपना जो है ना वो जरा उसको बंद कर दें ताकि जो है ना वो तो अब यहाँ पे ये जो नया जो फ्रेमवर्क है, ये नया फ्रेमवर्क भी अगले फ्रेमवर्क के ऊपर बेस करते हैं। लाजमी नहीं है कि नया फ्रेमवर्क टोटली नया है। जब हम स्मार्टन स्टडीज के फ्रेमवर्क को देखते हैं तो स्मार्टन स्टडीज का फ्रेमवर्क एक नया एंगल तो देता है ये, लेकिन ये नया एंगल बेस करता है इससे पहले जो स्टडीज हुई हैं, इससे पहले समाजी निज़ाम को जो समझने की कोशिश की गई है उसी के ऊपर बेस कर रहा है। ये जो मतलब ये सब ऑर्डिनेशन जो है, ये डोमिनेशन और सब ऑर्डिनेशन, तो इसका जो आपस में रिलेशनशिप है, इसको जो मार्क्स है, मार्क्स ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, आप देखते हैं कि वहाँ पे बोर्जुआ और प्रोलेटेरियट क्लास की वो बात करते हैं, दो बड़ी क्लासेस की वो बात करते हैं। तो अब वो जो दो बड़ी क्लासेस हैं, इसको जो स्मार्टन ने जो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन लगाया था मार्क्स के ऊपर, वो ये था कि मार्क्स की जो क्लासेस की जो डेफिनेशन थी, फॉर एग्जाम्पल वो एक तरफ बोर्जुआ क्लास की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो बात करते हैं प्रोलेटेरियट की। अब प्रोलेटेरियट और बुर्जुआ क्लास जो है वो कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो है ना ऑफ शूट्स है, मतलब कि उसकी उसके पीछे जो पूरे का पूरा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन खड़ा है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री की बेस के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बेस के ऊपर, उस मोड ऑफ प्रोडक्शन की बेस के ऊपर मार्क्स जो है ना वो उन क्लासेस की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो स्मार्टन ने मोड ऑफ प्रोडक्शन को मतलब कि रिलेट किया एग्रेरियन इकानमी के साथ, मतलब कि इंडिया चूंकि एग्रेरियन इकानमी है, यहाँ पे मतलब कि खेत है, मतलब कि यहाँ पे फसलें हैं, यहाँ पे उस तरह की इंडस्ट्री नहीं है। तो इंडस्ट्री ना होने की वजह से उन्होंने ये कहा जी कि मतलब ये जो सिस्टम है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, मार्क्स जो है ना मतलब है कि वो इंडिया के अंदर जो है ना वो रेलिवेंट नहीं है। अब मार्क्स को मतलब कि रेलिवेंट बनाने के लिए फिर ये जो स्मार्टन स्टडीज है, स्मार्टन स्टडीज ने जो कोशिश की कि मतलब कि हम मार्क्स का जो आइडिया है उस आइडिया को हम ये मतलब कि ये कहें कि सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन की बात करें, कि सबऑर्डिनेशन मतलब कि वो लोग हैं जो मतलब कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर मतलब कि उनके ऊपर कॉलोनियल जो पावर है उसने रूल किया, और जो मतलब कि यहाँ के जो लोकल लोग थे मतलब कि उनको उन्होंने कहा जी कि मतलब कि इनके ऊपर जो पूरे का पूरा जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चला, तो ये मतलब कि सब ऑर्डिनेट थे, मतलब कि वो मतलब कि डोमिनेट कर रहे थे। तो कॉलोनियल पीरियड में जो कॉलोनियल मास्टर थे उनकी डोमिनेशन को और इंडियन की नॉन डोमिनेशन को जब मतलब तो फिर उन दो लेयर्स की आप शूट के ऊपर उन्होंने कहा जी कि मतलब कि ये जो सब ऑर्डिनेट है ये सबाल्टर्न है, मतलब कि ये सबाल्टर्न है। अब मतलब इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मतलब कि फ्रेमवर्क की जो डोमिनेशन है, कि मतलब है कि हम पास का जिस पूछते हैं कि मतलब है कि आपको क्या नाम दें, तो उसको भी नहीं पता चलता है कि हमें क्या नाम दिया जाए। तो मसला ये है कि जब नॉलेज की प्रोडक्शन के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब है कि पोलिटिकल नेचर हो उसकी, और डोमिनेंट जो ग्रुप्स हैं वो अपनी मर्जी के तहत जो लोगों के ख्यालात भी अपनी मर्जी के तहत करें, जिस तरह फॉर एग्जांपल एजेंसी और स्ट्रक्चर का आपस में रिलेशनशिप है उसको जब हम देखते हैं, जिस तरह एंथनी गिलन और इस तरह के जो और स्कॉलर हैं वो स्ट्रक्चर और एजेंसी का आपस में जो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं, तो स्ट्रक्चर किस तरह एजेंसी का जो है ओवरऑल नैरेटिव बताती है, और एजेंसी किस तरह मतलब है कि स्ट्रक्चर को दोबारा री एनफोर्स करती है। तो इस स्ट्रक्चर और एजेंसी का जो रिलेशनशिप है इसको फर्दर अगर मतलब है कि एक्सप्लेन किया, तो स्मार्टन जो फ्रेमवर्क है उसने इसको फर्दर जो है ना आगे जाके उसमें फर्दर एडिशन दिए। तो इट्स मीन कि जो जिसको स्मार्टन स्टडीज ये कहते हैं जी कि
यूरोसेंट्रिक जो नॉलेज है, यूरोसेंट्रिक नॉलेज के अंदर जितना भी मतलब कि नॉलेज प्रोड्यूस हुआ उसको वो यूरोसेंट्रिक नॉलेज कहते हैं। तो यूरोसेंट्रिक नॉलेज के अंदर उन्होंने एशियाटिक जो नॉलेज है, एशियाटिक जो टेस्ट है वो देने की जो कोशिश की, तो वो स्पार्टन फ्रेमवर्क है, वो यही मतलब है कि दुनिया भर में इसको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अंदर अभी पढ़ाया भी जा रहा है, इसके ऊपर मुख्तलिफ रिसर्च भी शुरू है और इसको समझने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये ओवरऑल इसकी जो आज की जो इंट्रोडक्टरी जो जो सेशन था उसके अंदर ये कुछ है, और अभी हम इसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करेंगे और फिर लेटर ऑन नेक्स्ट जो फेज होंगे उसमें हम इसको ना टेक्स्ट वाइज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी एक फिनोमेना के बारे में रंजीत गोवा क्या कहते हैं, ओमनी बाबा क्या कहते हैं, दत्तेश चक्रवर्ती क्या कहते हैं, और ये जो खातून है उसका कैंस बट स्पीक मतलब है कि वो क्या कहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को फिर हम लेके साथ चलेंगे, तो फिर इसको हम मजीद आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इसको इस ऊपर डिस्कशन को ओपन करते हैं, अगर आप में से कोई थैंक यू वेरी मच सर। आमिर साहब जो है वो कुछ कहना चाहते हैं, तो आमिर साहब आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए अपने माइक को आप। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर आदिल साहब और नादिर जान को हम वेलकम कहते हैं, मुगल साहब को वेलकम कहते हैं, बड़ा अच्छा लगा ये सेशन सुनते हुए। अच्छा पहले मैं चूंकि डॉक्टर शकील एज यूजुअल उन्होंने इस चीज़ को एक उनकी क्वालिटी है कि वो चीज़ को जो है बड़े शानदार तरीके से एलैबोरेट करते हैं और डिस्कशन को एक ऐसा रुख दे देते हैं जिसके अंदर बहुत से क्वेश्चन जो है इंसान के जहन में आते हैं। मैं एक तो पहले आपकी उस पोएम का जो है ना जो आपने कहा, मैं जो पोएम का आपका था एक बिल्कुल एक पंच वर्ड था जो आपका, कभी मैं सोचता हूँ इसी तरीके से शायद आपने कुछ बात की, कभी मेरा दिल सोचता है या कभी मैं सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ मैं कभी सोचता हूँ मैं। तो अब एक तो ये है कि और फिर दूसरी जगह पे आप एक और बात कह रहे हैं लोहे शहूर पे सब है किसी का नक्श। अच्छा ये एक तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे समझ आती है बात की जो मैं डॉक्टर शकील को कहूँगा रिस्पॉन्ड करें इसके ऊपर। एक तो ये है कि क्या ये सोचने का प्रोसेस जो है वो वाकयातन एक गिवन स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट से बाहर भी पॉसिबल है एक ऐसी सोसाइटी में जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ नोयत का अथॉरिटेरियनिज्म जो है उसको आप सोशलाइज करते हैं हर स्टेज पे, डे वन पे आप उस बच्चे को क्या कह रहे होते हैं, फिर उसकी छः माह के बाद क्या कह रहे होते हैं, और फिर खुशी से आप ये बताते हैं कि पहला लफ्ज़ इसके मुंह से ये निकला, और फिर उसके बाद तो वो जो एक स्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है जो डे वन से शुरू होता है उस स्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस में क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि कभी मैं सोचता हूँ या कभी मेरा दिल सोचता है, और फिर उसके बाद जो आगे मेरा अपना आदिल साहब ने बात की कि लोहे नक्श पे ना लोहे लोहे शऊर पे शऊर पे किया हुआ किसी और का नक्श है। तो अब तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चरिंग तो बाहर जो है हो रही है, तो उसके अंदर थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो तो आपका जो है वो किसी ना किसी जगह पे पहले ही आपका वो हो चुका है। मैं उसको कहूँगा कि शायद वो कहीं पे आपका जो है वो इट हैज़ फॉरगॉटन समवेयर और इट हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर। अच्छा दूसरी बात जो डॉक्टर शकील ने बात की, मुझे लगता ये है कि डॉक्टर साहब का पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर जो स्ट्रेस है या एम्फसिस है वो इस बात पे है कि जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन के नाम पे रिप्रेजेंट किया जाता है क्या वाकयातन वो लोग रिप्रेजेंट होते हैं। अच्छा इसके अंदर मैं छोटी सी बात करूंगा कि रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर है डॉक्टर साहब। अब वो स्ट्रक्चर इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि उस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर एक बड़ी नॉर्मल सी बात ये की जाती है कि रिप्रेजेंटेटिव हम इसलिए बनाते हैं कि हम किसी भी अरेंजमेंट के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को हम नहीं सेल्फ रिप्रेजेंटेशन दे सकते। तो जब सेल्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इन ऑर्डर टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू द रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रक्चर वी हैव टू इलेक्ट पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ वास्ट मैसेज and then their wishes and desires and demands will be represented
इन द गिवन यू नो लेजिस्लेचर या कोई भी आप फोरम बना देते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन जो है इट्सेल्फ, वो तो फिर इसका मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन निगेट करती है उस आपके उस पूरे के पूरे जो आपने जो नरेट किया डिस्कोर्स, वो जो सबल्टन डिस्कोर्स है। अच्छा, एक लास्ट में कमेंट ये करूंगा, आई डोंट नो कि आप मेरे ये लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन मेरे जहन में तो और बहुत सी ऑब्जर्वेशन आ रही थी। एक लास्ट में जरूर ये कहूँगा, डॉक्टर साहब ये सबल्टन स्टडी का आपका वो जो पूरी डिस्कशन है सुन के मुझे लगा कि प्राइमरीली इट इज क्रिटिक ऑन द प्रेजेंट डे कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। आई डोंट नो वेदर यू मेंट इट और यू आर actually trying to refer it to present day democracies, you know, what I call them, the declining features or the attributes which we can associate to the present day capitalist democracy, that capitalist democracy claims something, whereas when it comes to, you know, practically evaluate it, it means something very, you know, contrary to the its overall, you know, assumptions and claims. तो इसका तनाजर ये नजर आता है कि सबल्टर्न स्टडी के हवाले से जो हम पूरी की पूरी बात कर रहे हैं वो तो एक पावर का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। पावर तो जब भी होगी तो पावर ने किसी को डोमिनेट करवाना है और किसी को उसने सबॉर्डिनेट करना है। तो इस दुनिया के अंदर जब इंसानी हिस्ट्री का मुताबिक देखते हैं, इंसान ने जो शुरू में भी अपनी एक समाजी एक बुनियाद रखी जिसको हम ट्राइबल कहते हैं या इवन के जो स्टोन एज भी कहते हैं, वो जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, उन तमाम सोसाइटीज में डॉक्टर साहब जो पावर है, पावर तो अपने फॉर्म में हमेशा जो है वो एक तरफ डोमिनेट करती है, डोमिनेंट के पास जाती है, और दूसरी जानब वो जो सबॉर्डिनेट को लेके आती है। हाँ, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है इस बल्टन स्टडी के अंदर ही कि क्या बल्टन स्टडी के इसी फ्रेमवर्क के अंदर हम को ऐसी लैंग्वेज की बात कर सकते हैं जो लैंग्वेज प्राइमरीली इस पूरी की पूरी लैंग्वेज को ही जो है इसकी क्रिटिक करे, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लमेटिक है। इस लैंग्वेज के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि पावर का जो डिस्कोर्स है वो असल में यहाँ पे वहाँ पे पावर का डिस्कोर्स क्वेश्चन नहीं हो रहा, बल्कि उस पावर के डिस्कोर्स में से निकलने वाली लैंग्वेज जो है वो आपको मजबूर कर देती है कि आप पावर की लैंग्वेज को यूज करें। मेरे ख्याल में यहाँ पे डेरिडा की जो डीकंस्ट्रक्टिव डीकंस्ट्रक्शन वाला पूरा आइडिया है, या इवन मैं कहूँगा जो काउंटर हेगमोनिक आइडिया ग्रैम्शी का है, इवन जितनी भी आपको कोई इस किस्म की जो सिमेंटिक के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उस तनाजर में इस बल्टन स्टडीज को दोबारा जो है किसी तरीके से इसको जो है वो देखने की जरूरत है कि इस बल्टन स्टडी की जो सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग नजर आ रही है मुझे वो प्रेजेंट ये है कि हमारे पास मुझे लफ्ज़ याद आते हैं इसके अपना हेनरी यूरो के, वो कहता है लैंग्वेज ऐसी है हमारे पास कि उस लैंग्वेज के अंदर हम चीज़ों को किसी भी तौर पे जो है वो ऐसे बयान ही नहीं कर सकते जिसके अंदर हमारे इश्यूज या हाईलाइट हों, या हम पॉलिटिकली कहीं से कोई चीज़ जो है वो नरेट करने के काबिल हों, या कोई काउंटर डिस्कोर्स ला सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप ये मेरी ऑब्जर्वेशन हैं, क्वेश्चन हैं या वट एवर, इनको आप किस तरीके से रिप्लाई करेंगे, अगर रिप्लाई कर रहे हैं तो ये हम सारों के लिए मेरे ख्याल में इसके अंदर काफी इनसाइट होगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब अगर आप भी इस पे कमेंट करना चाहें, क्योंकि अमर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और ये फॉर एग्जांपल जिसमें जब अमर शुरू में जब स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट में जब ये बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है स्ट्रक्चर है कि आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर हम जा कुछ सोच सकते हैं, मतलब है कि हमारी जो सोच है वो विद इन द गिवन स्ट्रक्चर है। अब मसला यहीं से शुरू होता है और यही सबसे बड़ी कम्प्लेक्सिटी एक समाजी निज़ाम को समझने में एक बड़े बड़े मतलब कि इश्यूज यहीं पर लगे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर कि हम इस समाजी निज़ाम के स्ट्रक्चर से बाहर क्या सोच सकते हैं, समाजी निज़ाम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या सोच सकते हैं। तो अभी तक जितना भी जो जब हम हिस्ट्री ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ नॉलेज के अंदर जो कुछ भी अभी तक हमें हमारे सामने आ रहा है वो तो एक गिवन स्ट्रक्चर के अंदर ही सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम डॉगमा से बात करते हैं, फिर मतलब कि आइडियलिज्म के अंदर हर्मेनिउटिक्स की बात करते हैं, फिनोमेनोलॉजी की बात करते हैं, या मतलब है कि जितने भी हमारे मतलब है कि तखय्युल बनते हैं और जितनी भी हमारी सोच डेवलप होती है वो तो सारी की सारी मतलब है कि
इसी आइडिया के गिरदे के मतलब है कि वो जो हिस्ट्री ऑफ मतलब कि थॉट प्रोसेस है उसी के आर पार है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा मतलब है कि अभी तक का एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर हम मतलब कि कैसे सोच सकते हैं और क्या आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर सोच होगी। फिर मतलब है कि सोच की मतलब है कि यहाँ पे उसकी भी स्टैंडर्डाइजेशन है कि कौन सी सोच सोच है और कौन सी सोच सोच नहीं है। तो ये एक बड़ा मतलब कि इशू है कि हम या फिर अगर हम आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर कुछ सोचते हैं तो हमारी उस सोच को वो सोच की जो स्टैंडर्डाइजेशन की जो फार्मूला है उसको चलेगी कि नहीं चलेगी। और ये एक बड़ा मतलब है कि स्टिल क्या मतलब है कि आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर हम जाएंगे तो फिर सोचेंगे कैसे, मतलब फिर सोचने के लिए हमारे पास क्या मैार रह जाएगा। चूँकि सोचने की भी कुछ मतलब कि मैार हैं, सोचने की भी कुछ ऐसे मतलब कि नॉलेज ने ऐसे मतलब कि वो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि जिसके अंदर मतलब कि जब आप बात करते हैं कहते हैं कि ये सोचने वाली बात है और मतलब कि उससे आगे पीछे मतलब कि चले जाएं तो कहते हैं कि मतलब कि ये सोचने वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ आगे जब मतलब कि ये सवाल आगे बढ़ता है तो ये सवाल बहुत सारी चीज़ों को अपनी मतलब के लपेट में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब लैंग्वेज की बात है कि मतलब कि हमारे पास तो वो लैंग्वेज ही नहीं है तो यहाँ पे इस बार्टन स्टडीज में बहुत सारी जो अभी मतलब स्ट्रगल जारी है मुख्तलिफ सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में, जिसमें मतलब कि वो जेंडर को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें वो कैपिटलिज्म को भी मतलब कि उसके इन्फ्लुएंस को भी कॉलोनियलिज्म के इन्फ्लुएंस को भी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ नेशनलिज्म का जो इशू है मतलब कि नेशनलिज्म हो गया, कॉलोनियलिज्म हो गया और कैपिटलिज्म हो गया, इन चीज़ों को जो है ये बार्टन फ्रेमवर्क जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे पूरे प्रोसेस में जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन इस तरह की है कि मतलब कि कैंस बार्टन स्पीक मतलब कि कैथरी स्पीवर इस पर काम कर उसने किया बहुत मतलब कि इम्प्रेसिव काम है चीज़ों को एक नए एनालिसिस से समझाने की कोशिश की। क्या मतलब है कि बार्टन हियर्ड मतलब कि इस तरह के भी कुछ आर्टिकल आपके सामने आते हैं कि क्या वो सुन सकता है, क्या मतलब है कि वो मतलब कि देख सकता है, क्या वो चख सकता है, क्या वो मतलब है कि इस तरह। लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आइडिया है कि कैन लैंग्वेज एक्सप्रेस कि जो लैंग्वेज है वो एक्सप्रेस कर सकती है, तो मतलब कि अब इस बार्टन स्टडीज का हमें कुछ पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि इस बार्टन स्टडीज इस तरफ भी काम कर रही है जिस तरह मतलब कि सेंटर की बात की आमर ने और इस तरह लैंग्वेज की बात की कि जो कुछ हम बोलते हैं ये मतलब कि ये बोलना एक्सप्रेशन के लिए कितना काफ़ी है और क्या इस बार्टन जो कुछ बोलते हैं मतलब कि वो मतलब कि कैन इस बार्टन स्पीक की जो बात है वो तो इस बार्टन स्पीक की बात की, लेकिन इस बार्टन जिस बेस पर स्पीक करता है तो वो तो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। तो फिर हम मतलब है कि इस बार्टन की जगह हम लैंग्वेज को भी ले सकते हैं कि कैन लैंग्वेज स्पीक। तो जब हम कैन लैंग्वेज स्पीक पर आएंगे तो फिर मतलब है कि फिर मतलब कि वो जो क्लास क्लासिफिकेशन है क्लास क्लासिफिकेशन, फिर हम क्लास क्लासिफिकेशन से आगे निकल के मतलब है कि हम उन आइडियल्स पे चले जाएंगे जो आइडियल्स मतलब कि जिनको बेस बना के मतलब कि मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स भी, मुख्तलिफ इकोनॉमिक ग्रुप भी, मुख्तलिफ पोलिटिकल ग्रुप भी अपने मतलब है कि मुख्तलिफ फ्रेम वर्क बनाते हैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जो अपना जो आइडिया है वो उसमें इस तरह भी सोच रहा हूँ कि हमें मतलब है कि जो सबाल्टर्न है सबाल्टर्न मतलब कि एक क्लासिफिकेशन है मतलब है कि जो पीजेंट्स को जो नॉन डोमिनेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो है ना एक्सप्लेन करती है, लेकिन जो लफ्स हैं और जो मतलब है कि इस तरह की जो लैंग्वेज है और जो सिमेंटिक और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिन जिस जिस बेस के ऊपर मतलब है कि वुमेन बॉडी मतलब कि वुमेन सोल और वुमेन मतलब कि वुमेन आइडियाज खड़े हैं, मतलब कि जिस चीज़ के ऊपर वुमेन आइडियाज खड़े हैं तो उन आइडियाज़ के ऊपर जो है ना मतलब कि बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें और उसको भी समझें। और फिर उसके बाद नॉलेज की जो मुख्तलिफ जो ट्राइब्स हैं मतलब कि ट्राइबलाइजेशन ऑफ नॉलेज है जिसको मतलब कि फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज को हम ट्राइबल मतलब कि ट्राइबलिज्म भी कह सकते हैं कि मतलब कि ट्राइबलिस्ट नेचर ऑफ नॉलेज, मतलब कि इससे निकाल के हम मतलब कि नॉलेज की जो बेसिक जो मतलब कि फाउंडेशन हैं उसकी बेस पर मतलब कि सोसाइटी के पूरे मिजाज को अंडरस्टैंड करें तो फिर हम हो सकते हैं कि मतलब कि सोसाइटी का जो माइंड है उसको ज़्यादा मतलब कि
नॉलेज के फ्रेमवर्क में हम लेके जाएं, ना कि मतलब है कि उसको जो सेग्रीगेशन और सेगमेंटेशन है उस फ्रेमवर्क में लेके जाएं, क्योंकि सेगमेंटेशन और मतलब है कि ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है मतलब कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, इसके ऊपर वक्ती तौर पे तो मतलब है कि हम आज बर्न स्टडीज का ग्रुप बना देते हैं, कल के दिन मतलब है कि हम किसी और नाम से कोई और ग्रुप हम सामने ले आते हैं। तो ये इस हवाले से तो अच्छे हैं कि ये सोचों में इजाफा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मतलब कि मैंने ये जो बात की थी पहले भी कि फ्रेमवर्क जो डोमिनेशन है, इस डोमिनेशन से भी बचना ज़रूरी है कि हम किसी भी फ्रेमवर्क को मतलब कि अपने ऊपर मतलब कि ज़्यादा उसका अपने ऊपर डोमिनेशन ना करवाएं कि हम हमारी बाकी आंखें जो है ना वो बंद हो जाएं और एक ही आंख जो मतलब कि एक फ्रेमवर्क जो मतलब उसको करना चाहते हैं बंद हो जाए। तो इस तरह दुनिया भर में जितने भी फ्रेम वर्क है जिन्होंने लोगों को सोचने का बाद में कहते हैं कि यही तरीका सबसे आला और आप ईमान लेके आए जो मतलब है कि मुख्तलिफ जो नॉलेज प्रोडक्शन की हिस्ट्री है उसमें भी आप देखते हैं, और फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ समाजी किस्म के निज़ाम आए हैं मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ कैफियतों में उन सिस्टम को भी आप देखते हैं, तो उसमें पहले एक कहते हैं कि सोचने का ये अंदाज है, फिर दूसरा कहते हैं ये अंदाज है, फिर एक ग्रुप ऐसा है जो सारी दुनिया में डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं कि निज़ाम जो है ना ये अर्फ आखर है, ये सारी दुनिया के लिए इस तरह है। तो इसके ऊपर आप जो है ना पूरे का पूरे ईमान और बस इसी को जो है ना मतलब है कि आप अपना और नंबर छोड़ नंबर बना लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ऐसा फ्रेमवर्क जो इंसानों की सोचों के ऊपर पाबंदी लगा देता है, तो ये तो ह्यूमन जो डिग्निटी है उसके मुखालिफ है, उसकी जो फंडामेंटल्स हैं उसकी अगेंस्ट चला जाता है। तो अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल मजीद काम करने की जरूरत है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है और इसको जो है ना इसके ऊपर फर्दर जो है ना गौर करने की जरूरत है। और कोई सवाल? थैंक यू वेरी मच सर। नादिर जान कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपके जितनी आपने गुफ्तगू की उसमें जो पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड है उसका मेरा ख्याल है उसको भी हमें ज़रा सा इस हवाले से देखना चाहिए। जो पॉसिबिलिटीज़ की बात की आमिर साहब ने, तो वो जो टू रिक्लेम योर ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट है पाउलो फेरारे का, मेरा ख्याल है उसको हमें इस डिस्कशन में साथ शामिल करना चाहिए कि पॉसिबिलिटी किस हद तक है कि हम उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल के सोच सकते हैं या नहीं। थैंक यू नादिर जान साहब, आप प्लीज अब अनम्यूट कर लीजिएगा अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। आई होप यू कैन हियर मी। यस। मेरा तो क्वेश्चन जो है वो सादा है कि हाउ सबाल्टर्न फ्रेमवर्क इज इंटरलिंक्ड टू पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ सीपैक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स एंड हाउ कैन वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो नादिर जान, आप लोगों ने बहुत ही जो है ना मतलब है कि सबाल्टर्न स्टडीज के अंदर जो है ना मतलब है कि सीपैक के फ्रेमवर्क को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, बहुत ही कम्प्लेक्स और बड़ा मतलब है कि नाजुक किस्म का सवाल किया है। और जिस तरह मतलब है कि सीपैक के ऊपर के सीपैक ने सोचने का एक नया अंदाज दिया है, तो सोचने के इस नए अंदाज सीपैक के ऊपर तो वाकई मतलब है कि आपने एक इशारा किया कि इस तरह मतलब कि आइए के जो फ्रेमवर्क है, ये जो स्मार्ट स्टडीज का फ्रेमवर्क है, इसमें मतलब है कि हम सीपैक को देख सकें। अब जो सीपैक है, सीपैक की जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है मतलब है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसकी फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल क्या है। कोई मतलब है कि कोई भी मतलब है कि नाम, कोई भी मतलब है कि किसी चीज़ को आप कोई भी नाम देते हैं तो उसके वो नाम जो है वो किन फाउंडेशन के ऊपर खड़ा है। अब जो सीपैक है, सीपैक बेसिकली जिस आईडी के ऊपर खड़ा है वो बेसिकली आईडी है डेवलपमेंट का। तो
आइडिया ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब है कि आप उसको सीपीएपी कह सकते हैं, आप उसको गवादर भी कह सकते हैं, आप उसको मतलब है कि डिफरेंट कॉरिडोर का नाम भी दे सकते हैं, मतलब है कि वो बेसिकली आइडिया है डेवलपमेंट का, और उस डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप अपने अपने नाम लगाते हैं, मतलब है कि कोई कहते हैं कि मतलब है कि मेरा नाम लगे, कोई कहते हैं मेरा नाम लगे, कोई मतलब है कि कोई अमेरिकन कॉरिडोर कहेगा, कोई मतलब है कि जापान कॉरिडोर कहेगा, कोई अफगानिस्तान कॉरिडोर कहेगा, कोई मतलब है कि जिस तरह जिस जिस ग्रुप के अपने अपने मफाद होंगे उसको वो वाला नाम देना शुरू कर देगा। लेकिन इन सारे नामों के नीचे जो मतलब है कि जिस ग्राउंड के ऊपर ये सारी चीजें खड़ी है वो डेवलपमेंट है। अब जब हम समझते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है क्या चीज, और डेवलपमेंट को हम ऑन द बेसिस ऑफ ये जो स्मार्टर स्टडीज है इसको हम कैसे इसको स्टैंड करें। अब ये देखें कि डेवलपमेंट के इस पूरे प्रोसेस में कौन लोग जो है ना वो मतलब है कि उससे फायदा लेते हैं, कौन से लोग मार्जिन पे चले जाते हैं, ये तो पूरा मतलब है कि एक क्लासिफिकेशन जो है ना वो खुद बहुत जो है ना, जब भी कहीं डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो कोई लोग बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, कोई मार्जिन पे चले जाते हैं। डेवलपमेंट के इस पूरे प्रोसेस में ठेके किसको देने हैं, मतलब है कि किससे क्या जमीनें किससे लेनी है, जमीनें किसके हवाले करनी है, किसको मार्जिन पे लाना है, किसको सेंटर पे लाना है, किसको ज्यादा फायदा देना है, किसको नुकसान देना है। अब ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के साथ साथ जो मतलब है कि एक और जो थ्योरी है जिसको डेवलपमेंटलिज्म बेसिकली ये आइडिया जो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है विद आइडिया स्मार्टर स्टडीज के, नाम आप डेवलपमेंट कर लें, जैसे मतलब है कि वहां पे नाम आप रिप्रेजेंटेशन कर लें, लेकिन रिप्रेजेंटेशन देना मतलब है कि फ्रेमवर्क ऐसा बना दें जिसमें मतलब है कि आम लोगों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले, लेकिन नाम हो रिप्रेजेंटेशन का। इसी तरह डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट नाम हो डेवलपमेंट का, लोग ये समझें कि ये हमारे फायदे के लिए, लेकिन फायदा उनको ना हो, फायदा उनका हो जो इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटलिज्म है कि इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस इस तरीके से इनिशिएट किया जाए कि देखने में वो डेवलपमेंट नजर आए, लेकिन उस डेवलपमेंट को लोग सिर्फ देखते ही रहें, उनके पास से ट्रक गुजरते जाएं, उनके पास रेलवे गुजरती जाए, उनके पास से मतलब है कि बहुत सारी गाड़ियां गुजरे तो लेकिन एक गाड़ी भी उनकी ना हो। जिसका मतलब है कि वो एक पुलिस वाला था, वो ट्रैफिक पुलिस में जब भर्ती हुआ तो बड़ा खुश था, तो किसी ने पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं, उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में दुआ दी थी कि जा बच्चे तेरे आगे पिछड़े रहना गाड़ियां उन। अब उसके आगे पीछे जो गाड़ियां थी उनका यह था कि मतलब वो गाड़ियां उसकी तो नहीं थी, गाड़ियां किसी और की थी, लेकिन वो ट्रैफिक का सिपाही था तो वो खुश था कि मतलब ये सारी गाड़ियां जो है ना मतलब है कि मेरे इशारे पे चलती हैं। अब जो डेवलपमेंटलिज्म का जो आइडिया है और डेवलपमेंट का पूरा जो प्रोसेस है जिसके ऊपर सी पे खड़ी है, इस सी पे को मतलब है कि आप देखें कि इस सी पे का फायदा जो बुर्जुआ क्लास है, जो मतलब है कि ताकतवर तरीन तबकात हैं, वो क्या फायदा ले रहे हैं, जो मतलब है कि आम लोग हैं उनको इसका क्या फायदा हो रहा है, और दूसरा जो मतलब है कि फेडरेटिंग स्ट्रक्चर है, फेडरेटिंग स्ट्रक्चर की को मतलब है कि हम किस तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब है कि जो आइडिया ऑफ फेडरेशन है और मतलब है कि जो फेडरेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब है कि इसकी जो बेसिक फाउंडेशन है उनको भी समझने की जरूरत है कि बेसिक फाउंडेशन के अंदर यह है कि मुख्तलिफ जो सोशल ग्रुप्स हैं और मुख्तलिफ जो मतलब है कि इलाके हैं और मुख्तलिफ जो जोग्राफी है, उस जोग्राफी को मतलब है कि आप उसकी डिग्निटी के लिए मतलब है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्या इस नेज पे है, जियोग्राफिकल जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके, जो सोशल डिग्निटी है उसको प्रोटेक्शन दे सके, मतलब है कि जो मुख्तलिफ मतलब कि एरियाज हैं उस सारे पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसे स्ट्रक्चर किया जाए कि सबकी डिग्निटी उसमें इंश्योर हो और हर कोई उस पॉलिटिकल स्पेस के अंदर अपने आप को मतलब है कि खुशी के साथ मतलब है कि अपनी मतलब है कि डिग्निटी के साथ वो पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पे आप ये देखते हैं कि मतलब है कि जो फेडरेटिंग जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो फेडरेटिंग स्ट्रक्चर भी बाज़ मुल्कों में और खासकर अथॉरिटेरियन रिजीम में ऐसा स्ट्रक्चर किया जाता है जिसमें जो डोमिनेंट ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं या डोमिनेंट मतलब कि सोशल ग्रुप्स होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा पोलिटिकल सिस्टम और पूरा पोलिटिकल स्ट्रक्चर इस तरह डेवलप करते हैं जिसमें मतलब के जो एरियाज हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज हो गए, डिफरेंट जो कम्युनिटीज होगी, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स होंगे, उनकी जो डिग्निटी है वो जो है ना वो इंश्योर होना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक तो ये कहा जाता है कि ये फेडरेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें तमाम फेडरेटिंग ग्रुप्स हैं।
राइट्स लिखने से नहीं मतलब कि राइट्स मतलब कि आपके पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम के अंदर जो है ना मतलब कि पूरे के पूरे उनकी रिफ्लेक्शन जब नहीं होती तो फिर मतलब कि ये मसला उसी तरह हो जाता है जिस तरह डेवलपमेंट के साथ है और जिस तरह मतलब कि जो करते हैं उसी तरह आपका जो फेडरेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी भी हालत उसी तरह हो जाती है जिस तरह मतलब कि वो फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरे ख्याल में सर्टन फ्रेमवर्क ये मतलब कि इनसाइड लेता है जिसके ऊपर आप सी पैक को और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको आप समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर कोशिश की जा सकती है इसको फर्दर जो है ना ट्यून करने में कि इसको किस तरीके से ना फर्दर बेटर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा ये शाह रुकने आलम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। शाह रुकने आलम आप क्वेश्चन पूछ लें और उसके बाद फिर से हमें एक दफ़ा सेशन को स्टार्ट करना होगा क्योंकि अगेन इसका टाइम एक्सपायर हो रहा है। तो आप सवाल पूछ लें जवाब हम दोबारा से सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप खुद को अनम्यूट कर लें। अच्छा ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है ये गुफ्तगू सब ऑल्टरनेट स्टडीज़ की। मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हम सब ऑल्टरनेट स्टडीज़ और ये जो नैरेटिव है फ्रॉम बिलो इसे अप्लाई करें फॉर एग्जांपल हमारी ये जिस तरह हिस्ट्रीज हैं हमारी इस तरह सुनाई जाती हैं बताई जाती हैं तो फॉर एग्जांपल हम एम्पायर्स को आई थिंक internationally in a sense celebrate किया जाता है ना कि ये वहाँ तक चले गए ये इधर तक पहुँच गए ये इन लोगों को इन्होंने इतना मारा कि उस इलाके पे कब्जा कर गया। तो सबाल्टर्न स्टडीज़ की मैं ये पूछना चाह रहा था कि पोटेंशियल कितनी है कि वो डीकंस्ट्रक्ट ऐसे नैरेटिव्स को कर सकता। और दूसरा बस एक छोटी सी चीज़ थी वो जब राजा साहब ने सवाल आई थिंक पूछा था कि क्या लैंग्वेज टेक्निकली infinitely flexible नहीं होती to handle any problem और problem यानी कि हमारे structures में है कि जैसे कि अंग्रेज़ी जो थी उसके अंदर कई चीज़ें हैं जो एक लफ्ज़ को